फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम DIY करेंगे, बुद्धा की पेंटिंग बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप इस पेंटिंग को बहुत आसानी से बना सकते हैं, दीवार पे लगा सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगती है। चाहे तो आप इसे इसके आसपास सीरीज लगा दें, लाइट लगा दें, उसके बाद ये ऐसी दिखती है, इस तरह से दिखती है। सीरीज लगाने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगती है, आपकी दीवार बहुत सुंदर लगती है इससे। इसके लिए हमने सिंपल बुद्धा की पेंटिंग बनाई है। सिंपल पेपर पर ड्राइंग बनाइए पहले बुद्धा की, आप चाहे तो दूसरी पेंटिंग भी बना सकते हैं। ये ड्राइंग हमने बना के तैयार कर ली है। इस ड्राइंग को बनाने के बाद आप ब्लैक कलर का शीट ले ले, ब्लैक कलर की शीट ले ले। आप चाहे तो वेलवेट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने एक शीट ली है, पूरी एक शीट लिया है का इस्तेमाल किया है। इस शीट के ऊपर हमें इस पेंटिंग को बनाना है, पेंटिंग को इस पर हमें इसका ड्रॉ हमको ब्लैक पेपर की शीट पर बनाना है, जो इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप पेंसिल से इस पर ड्रॉ बना के तैयार कर लें। इसके बाद ये इस तरह के सिरेमिक कोन आते हैं, गोल्डन कलर के, मार्केट में आसानी से अवेलेबल होते हैं, स्टेशनरी की शॉप पे आराम से मिल जाते हैं ये, और बहुत कॉस्टली नहीं होते हैं। आपको इसी से ड्राइंग करना है, इसको गोल्डन सिरेमिक कोन से आपको इसकी पूरी आउटलाइन बनाना है, इसकी पूरी डिज़ाइन बना के आपको तैयार करनी है। ये बहुत आसानी से हो जाती है, बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर आप मेहंदी बनाते हैं तो ये कोन बहुत अच्छे से चल जाएगा आपसे, और नहीं भी बनाते हैं तो भी आप इसे आराम से बना सकते हैं। ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा, इसे भी पूरा करना है। देखिए धीरे धीरे आप इसे बना लें। आप कोई सी भी पेंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सी भी पेंटिंग आप बना सकते हैं। अगर आप बुद्धा की नहीं बनाना चाहते तो आप गणेश जी की या जो भी आप चाहें बना सकते हैं पेंटिंग। इस पेंटिंग को पूरा बनाना है हमें, और हमें आसपास की जगह थोड़ा छोड़नी है क्योंकि हमें इसे फोल्ड करना पड़ेगा। देखिए इस तरह से बनके तैयार हो जाएगी पेंटिंग पूरी। ये बनके तैयार हो गई है, हमने आउटलाइन पूरी कर दी है, इसका फेस भी हमने बना लिया है गोल्डन कोन से। अब हमें सिल्वर सिरेमिक कोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से हम सिरेमिक कोन का इस्तेमाल करेंगे, सिल्वर कलर का कोन है। अब इससे जो बाकी डिज़ाइन बची है उससे हम इससे बनाएंगे, ताकि गोल्डन और सिल्वर कलर से इसमें एक अच्छा सा उठाव आ जाएगा और ये दिखने में बहुत सुंदर लगेगी। इस तरह से आप अंदर का जो जगह खाली बची है उसको आप सिल्वर कलर के सिरेमिक कोन से भर दें। ये आप थोड़ा सा धीरे धीरे से करें, अगर आप जल्दी करेंगे कोन आपस में फैल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें इसको फ्रेम करना है, तो मैंने इसमें थर्माकोल शीट का उपयोग किया है। आप चाहे तो कार्डबोर्ड ले सकते हैं या आप शॉप पर भी इसे फ्रेम करा सकते हैं। इस तरह से आप एक एक इंच की थोड़ी सी पेपर को आप मोड़ लें, ताकि इसके अंदर हम थर्माकोल की शीट को आराम से बिठा सकें। ये देखिए थर्माकोल शीट को मैंने काट के इसके साइज़ का बना लिया था। अब हम इसके अंदर थर्माकोली शीट को बिठा देंगे। आप चाहे तो कार्डबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे, इसे आप आराम से दीवार पे चिपका सकते हैं। ये साफ़ करने में भी बहुत आसान होती है, ब्रश से या कपड़े से आप इसे आराम से साफ़ कर सकते हैं। इस देखिए इस तरह से पेपर मुड़ जाएगा थर्माकोली शीट के ऊपर पीछे की तरफ। आप चाहे तो इसे फेविकॉल से चिपका दीजिए या आप इसे टेप से भी चिपका सकते हैं। मैं इसे टेप से चिपकाऊंगी, पहले फेविकॉल लगा के उसके बाद हम इसे टेप से चिपका देंगे, ताकि खुलेगा नहीं पीछे से। आप इसे अच्छे से मोड़ दें और इस तरह से टेप चिपका लें। हम चारों कोनों को टेप से चिपका लेंगे। ये फ्रेम कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। ये बन के तैयार हो गई है। अब जो बचा हुआ वर्क है वो हम इस पर करेंगे। हमें इसे शेडिंग डालना है, हम इसमें शेड डाल देते हैं सिल्वर गोल्डन कलर से। हम पहले शेड कर लेंगे इसमें, और जो आप देख रहे हैं नीचे और ऊपर जो कांच चिपके हुए हैं, ये कांच भी मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। हमने कांच को चिपका दिया है फेविकॉल से, और उसके आसपास एक गोल्डन एक सिल्वर, एक गोल्डन एक सिल्वर से राउंड बना दिया है, ताकि वो अच्छा दिखे। इस तरह से ये बन के तैयार हो जाएगी। इसे आप जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा लगेगी।
अगर आपको ये पसंद आती तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, घर पे ज़रूर बनाएं और इस पेंटिंग को लगाएं।